अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है वो एक छोटे से टिप के बारे में है कि अगर आपके पास सरफस है और उस सरफस पे आपके पास ग्रिड पॉइंट्स हैं या ग्रिड लेबल्स हैं तो उनकी रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं आप, आज की वीडियो में यही देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ग्रिड पॉइंट हो तो उनकी रिपोर्ट हम कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे, और इसके बाद अगर हमारे पास कोई स्पॉट ग्रिड एलिवेशन हो तो उनकी रिपोर्ट कैसे ले सकते हैं वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। सबसे पहले पॉइंट पॉइंट क्रिएशन टूल, यहां से पॉइंट क्रिएशन में आपने जाना है और ये जो ऑप्शन मैनुअल्स हैं इनके आपने ऑटोमेटिक पे इसको सेट कर देना है। ओके, यहाँ पे आपने अपनी पॉइंट आइडेंटिफिकेशन चेक कर लेनी है कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट होने वाला है वो किस नंबर से स्टार्ट होगा। तो 584 से होगा, तो मुझे इसको राउंड फिगर में रखना है, मैं इसको 600 कर देता हूँ। ओके, और ये पॉइंट अभी आप दो तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ से अगर पॉइंट में जाएं और यहाँ पे सरफस, तो यहाँ पे ऑन ग्रिड की ऑप्शन है, आप इसको ले क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन में हैं तो यहाँ भी ऑन ग्रिड की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें तो स्पेसिफाई है ग्रिड बेस पॉइंट, तो कहीं भी आपने जहाँ पे आपने बेस पॉइंट लगाना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। रोटेशन एंगल पूछा जा रहा है, मैं इसको 0 ही रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। स्पेसिंग मुझे 10 यूनिट चाहिए एक्स में, और वाई डायरेक्शन में भी 10 यूनिट चाहिए, और यहाँ पे मुझे अपर राइट कॉर्नर का पूछा जा रहा है, तो मैं जस्ट इसको क्लिक करके एंटर करता हूं, तो यहां पे पॉइंट मेरे ड्रा हो गए हैं। वो कहां से पता चलेगा कि वो ड्रा हो गए हैं, यहां पे पॉइंट क्रिएशन में अगर हम जाएं तो यहां पे आप भी देखें तो यहां पे 721 हो गए, जबकि हमने इसको 600 से स्टार्ट किया था, तो 121 पॉइंट हमारे क्रिएट हो गए हैं ये। ठीक है, तो इनको हमने ग्रुप में लेना है। ओके, यहाँ पे मेरे पास ये ग्रुप है। ओके, और इसमें मैं इसको इंक्लूड करता हूँ 600 से 721। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको इस ग्रुप में ऐड किया है तो जो इस ग्रुप में मैंने स्टाइल असाइन किया था उसके हिसाब से ये पॉइंट इसमें आ गए हैं। अभी अगर हम इन पॉइंट को क्लिक करें तो यहाँ पे हमें नॉर्मल जो पॉइंट होते हैं, फोगो पॉइंट होते हैं, सेम वही सारी ऑप्शन मिल रही हैं। यहाँ पे पॉइंट लिस्ट है, और यहाँ पे अगर आप इसको कंट्रोल ए करें, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लें और एक्सेल में पेस्ट कर लें। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट ग्रुप है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है एक्सपोर्ट पॉइंट की। ठीक है, यहाँ से आपने अपना फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। ओके, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, और यहाँ से आपने अपनी फाइल लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं इसको ग्रिड पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ओके, ओके, तो ये पॉइंट हमारे इधर सेव हो गए हैं। यहाँ पे अगर अभी हम देखें इसको तो ये पॉइंट अभी हमारे जो है वो एक्सपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपने इसको टेक्स्ट टू कॉलम कर लेना है। ओके, टेक्स्ट टू कॉलम डेलिमिटर नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट फिनिश। तो ये जो आप पॉइंट हैं आपके, ये सेपरेट सेपरेट आपके पास आ गए। एक मेथड तो ये था कि अगर आपके पास जो है ग्रिड पॉइंट्स हैं तो उनको आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी दूसरी जो ऑप्शन होती है हमारे पास, जो हमारे पास पॉइंट की एक दूसरी सूरत होती है, एनोटेट, यहाँ पे सरफस और यहाँ पे स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, और रोटेशन एंगल 0 है, स्पेसिंग 10 है, और ये स्पेसिंग भी 10 है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एंटर किया, तो यहाँ पे हमारे जो है
ये लेबल लग गए, ये पॉइंट नहीं एक्चुअली ये लेबल है, स्पॉट एलिवेशन लेबल है। अगर हम इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी की ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेबल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मगर एक्सपोर्ट की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इन पॉइंट को, ये जो लेबल है इनको आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इनको आपने आइसोलेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट सिर्फ स्क्रीन पे रह जाएंगे। अभी आपने इनको सेलेक्ट करना है और इसको आपने एक दफ़ा एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जब आप इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर करेंगे तो ये ब्लॉक में आ जाएगा, इसको आपने एक दफ़ा और एक्सप्लोर कर लेना है। ओके, अभी अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पे एम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे अभी आपने W की कमांड देनी है, राइट ब्लॉक, ओके, और इन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने इसका पाथ दे देना है जहाँ पे आपने ड्राइंग सेव करनी है। तो मैं सेम फोल्डर में मैं इसको एक्सपोर्ट वन का नाम दे रहा हूँ, ये एज ए ड्राइंग जो है हमारे ब्लॉक सेव हो जाएंगे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ओके ओके नो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपने मैप टास्क जो है वो ओपन करना है। ठीक है, ये ओपन हो गया है, यहाँ पे है मैप एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे आपने विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना है और जहाँ पे आपने ये ड्राइंग सेव की थी, ठीक है, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना है। उससे पहले आपने इसको यहाँ पे पिन कर लेना है, ओके, इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देना है। यहाँ पे ये जो ड्राइंग का फोल्डर नज़र आ रहा है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और की व्यू पे जाना है। जैसे ही यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पे जूम एक्सटेंड करना है आपने, तो ये जो आपके पॉइंट थे वो ड्राइंग में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने ये जो करंट क्वेरी लिखा है इस पर राइट क्लिक करके डिफाइन की ऑप्शन को लेना है और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, लेयर है, और लेयर में हमारे पास ये जो लेबल है वो किस लेयर में है, वो सी टोपो टेक्स्ट में है, जो बाई डिफॉल्ट सिल्वर 3D की लेयर होती है उसमें है, और इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन, ओके, यहाँ पे एक्सपेक्शन की ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसको आपने एक्सपेंड करना है और यहाँ पे जो एम टेक्स्ट लिखा है, क्योंकि हमारी वैल्यू एम टेक्स्ट में थी, यहाँ पे एम टेक्स्ट की वैल्यू में जो ज्योमेट्री अवेलेबल है वो एक्स वाई जेड अवेलेबल है। मैंने एक्स को सेट किया है और ओके पे क्लिक किया और इसको मैंने ऐड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। फिर मैं एक्सप्रेशन में चला गया, ओके, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, और ये जो एंट्री की प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपने एम टेक्स्ट में आना है, ज्योमेट्री, और वाई को सेट करके ओके करना है और इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको आपने एक्सपेंड करना है और यहाँ पे एम टेक्स्ट में आपने ज्योमेट्री पे क्लिक करना है, जेड वैल्यू को लेना है, ओके, और इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम, तो यहाँ पे आपने ब्राउज पे क्लिक करना है, सेम फोल्डर में मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ओके, और मैं इसको नेम दे देता हूँ, ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड पॉइंट्स, ओके, ये टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में हमारे पास ये फाइल सेव हो गई है। ओके, यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट क्वेरी पे क्लिक करना है, पॉइंट हमारे एक्सपोर्ट हो गए हैं, अभी हम इनको चेक करते हैं कि ये एक्सपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पे मैंने अभी ये जो फाइल क्रिएट की है आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये हमारे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में आ गया है। ओके, इसको मैं एक्सेल के साथ ओपन करता हूँ। ओके, ओपन, ब्राउज, ओके, ये हमारी फाइल है, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, फिनिश, ओके, तो ये फाइल जो है हमारी ओपन हो गई है। इसको मैं फाइल सेव एज करता हूँ, ओके, सेम फोल्डर में CSV के नाम से मैं इसको
CSV 11, ओके, और ये CSV कॉमा डेलिमिटर में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो मैंने कर दिया है यस, और इसको मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे मैं सिविल 3D ओपन करता हूँ और मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ। न्यू फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे अभी मैं सेम पॉइंट्स को इंपोर्ट करके देखता हूँ क्या वो हमारी फाइल बनी है या नहीं बनी है। ओके इंपोर्ट, तो ये हमारी फाइल थी जो अभी हमने क्रिएट की है। इसको मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये जो है ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जेड एलिवेशन फॉर्मेट को मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। जेड इंटर, ई इंटर, तो आप लोग देख सकते हैं सेम जो ग्रिड हमारे पास यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था वो वापस हमने CSV में पॉइंट लेके उनको वापस सिविल 3D में इंपोर्ट कर लिए। तो ये एक छोटी सी टिप थी, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।